गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से हमारे हिंदी की कक्षाएं शुरू की गई, तो सबसे पहले हमने पद्यांश भाग कबीर का लेसन लिया। कबीर के विषय में मैंने आपको जानकारी दी कि कबीर के जीवन का किस तरह का परिचय था, कबीर में स्वभावगत कौन कौन सी विशेषताएं थी, कबीर की भाषा कैसी थी, कबीर ने कौन कौन सी रचनाओं के माध्यम से जग प्रसिद्धि हासिल करी, कबीर ने गुरु के महत्व को किस ढंग से प्रतिपादित किया, और कबीर ने रहस्यवाद का भी प्रतिपादन किया कि ये सारा संसार जो है एक रहस्यमय ढंग से बना हुआ है। इस रहस्य को वही जान पाता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए ईश्वर से साक्षात्कार करता है। आज की कक्षा में सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पृष्ठ पर पाठ का परिचय दिया गया है, और पाठ के परिचय के साथ साथ कबीर की जो साक्षी है उसमें छंद का प्रयोग किया गया है। अब ये छंद क्या होते हैं, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य से संबंधित छंद की जानकारी देना चाहूंगी कि बेटा कबीर की कविता में छंद का प्रयोग है। हालांकि कबीर को किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं था, किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं होने के कारण उनके जो सारी रचनाएं या शिक्षाप्रद बातें हैं वो धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में लिखी। तो कबीर ने तो विशेष रूप से किसी कविता के नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन बाद के कवियों ने, बाद के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए कबीर की इन सारे शिक्षाप्रद दोहों का मूल्यांकन किया, तब पता चला कि कबीर ने अपने साक्षियों में एक छंद का प्रयोग किया है। छंद होता है कविता रचना का नियम या तरीका। छंद का क्या अर्थ है, कविता रचना का जो नियम उन्होंने पालन किया है और उसके तरीके को उन्होंने अपनी कविता में अपनाया है, तो वो कौन सा छंद है, तो कबीर की साक्षियों में अपनाया गया छंद है दोहा। अब इस दोहे के बारे में भी कल की कक्षा में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी, संक्षिप्त जानकारी वहां पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले पाठ का परिचय और पाठ के परिचय के साथ साथ दोहा छंद क्या होता है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इसका थोड़ा परिचय दिया गया है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले पाठ का परिचय, पाठ के परिचय में हमारा पाठ है कबीर की साक्षी। साक्षी शब्द तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है ये, यानी हिंदी भाषा में प्रयुक्त, लेकिन किसका, यानी साक्षी शब्द का। अब ये साक्षी शब्द किससे बना, ये साक्षी शब्द बना साक्ष्य से। साक्ष्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुभव या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे हम साधारण शब्दों में प्रमाण कह सकते हैं। साक्ष्य यानी प्रमाण या सबूत। कबीर का चैप्टर जिसमें कबीर की साक्षियां, कबीर की साक्षी जो है तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द कहां से लिया गया, साक्षी शब्द से लिया गया। साक्षी शब्द किससे बना, साक्ष्य शब्द से बना, और साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है, साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव, या जिसे हम प्रमाण या सबूत भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव जो कोई गुरु जो है अपने जीवन में प्राप्त करता है और उस अनुभव को वो अपने शिष्यों के साथ बांटता है। अर्थात साक्ष्य या साक्षी वे हैं, वे अनुभव जन्य सिद्धांत हैं जो एक गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है और शिष्य जो है अपने आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं। तो पाठ के परिचय में दिया गया है कि कबीर जो है, कबीर की साक्षियां जो है, वो कबीर का अनुभव जन्य ज्ञान था जो उन्होंने उस समाज से, उस स्थान विशेष से प्राप्त किया था, और उस स्थान विशेष से प्राप्त किए गए ज्ञान को उसने अपने वाणी से प्रस्फुटित किया, और उसकी वाणी को सुनने वाले थे उनके शिष्य, और उनके शिष्यों ने उस ज्ञान को संजो कर रखा। अब कबीर जो है वो घाट घाट का पानी पीने वाले कवि थे, यानी हर एक स्थान पर रह करके उन्होंने वहां के
ज्ञान को, वहां के अनुभव को प्राप्त किया। कबीर ने माना कि उस समय में शास्त्रीय ज्ञान जो किताबों को पढ़ पढ़ कर प्राप्त किया जाता है उसका इतना महत्व नहीं है जितना अनुभव जन्य ज्ञान का है। इस बात को उन्होंने अपने वाणी में, अपने साथी में, अपने दोहे में भी बताया है। क्या कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एक अक्षर पीर का पढ़े सु पंडित होई। यानी जो ईश्वर के एक अक्षर ओम अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही सबसे बड़ा पंडित या ज्ञानी माना जाता है। बात हमारी यही है कि वे जो है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। अब जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो पाठ का ये जो परिचय दिया गया है उसके पश्चात दिया है दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है? मान लीजिए मैं यहाँ आपके ब्लैक बोर्ड के सामने आप यहाँ पर एक दोहा लिख रही हूँ और उस दोहे को पढ़ के आपको समझना होगा कि दोहा दोहा क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। कवि कबीर क्या कहते हैं? कबीर ने अपनी बात कही कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। आपको पता है तलवार जो है हमारे उपयोग की वस्तु है। जब किसी योद्धा पर आपत्ति आती है तो वो अपना बचाव करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाता है। तो तलवार उसके उपयोग की वस्तु है, न कि तलवार रखने का स्थान म्यान उसके लिए इतना उपयोगी नहीं है। उसी तरह से कबीर ये मानते थे कि साधु का जो ज्ञान है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि जाति। इसलिए जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बात चल रही है हमारी दोहा छंद की, तो दोहा छंद क्या होता है? ध्यान दीजिए, दोहा यानी दो पंक्ति वाला, पंक्तियां दो है, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, दो पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें चार चरण होते हैं। चरण यानी पद, जाति ना पूछो साधु की, यहाँ अल्प विराम लगा दिया गया है, यानी ये पहला चरण, पूछ लीजिए ज्ञान ये दूसरा चरण, मोल करो तलवार का ये तीसरा चरण, और पड़ा रहने दो म्यान, यानी चार चरण हैं, यानी इसको चार पद में बांटा गया है। दो पंक्तियां चार पद, ठीक है। अब पदों में इसमें जो एक दूसरे से संबंधित है, पहला और तीसरा पद आपस में संबंधित रहता है और दूसरा और चौथा पद आपस में संबंधित रहता है। पहला और तीसरा पद और दूसरा और चौथा पद कैसे? देखिए, मैंने बताया इसमें मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की गणना की जाती है। अब मात्राएं कौन सी होती है? स्वरों की होती है। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। इन 11 स्वरों में से सबसे पहले आते हैं हस्व स्वर। ये हस्व स्वर जो है ये कौन कौन से हैं? ये है अ, इ, ओ और री। ये चार हस्व स्वर है। और आते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वरों में गिना जाता है, दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं से मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। किसी भी व्यंजन पर जब इन स्वरों की मात्राएं प्रयुक्त होती है तभी तो उसका उच्चारण स्पष्ट हो पाता है। इन मात्राओं में हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जहां पे हस्व स्वर की मात्रा प्रयुक्त होती है उसकी गणना की जाती है एक, यानी उसका मूल्य एक है। जहां दीर्घ स्वर की मात्राएं प्रयुक्त होती है उसकी गणना की जाती है दो, यानी जब उसको काउंट करेंगे तो उसको वो मात्रा दो में काउंट होगी।
और इस दो को जब दोहे पे हम लिखेंगे तो ये इस चिन्ह के माध्यम से लिखा जाएगा। स्पष्ट होती है बात कि ये जो दोहा है ये दो पंक्तियों वाला होता है, इसमें चार पद होते हैं, पहला और तीसरा पद और दूसरा और चौथा पद आपस में संबंधित होते हैं। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ये पहले और तीसरे पद में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ आएगी 13 मात्राएं और यहाँ आएगी 11 मात्राएं। अब मात्राओं की गणना कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर होता है इसकी, इन ह्रस्व मात्राओं को हम एक काउंट करेंगे और जो दीर्घ स्वर होता है इसकी मात्राओं को हम दो इस रूप में काउंट करेंगे, लेकिन इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे हम, देखिए, जा ती ना पू छो सा धू ती। अकाउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13। यहाँ पर जहां पर जो गलती है वो ये है, जाति न पूछो साधु की, यहाँ पे दिया गया न। अकाउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, यानी यहाँ पर हमारे पहले पद में मात्राएं आई 13। अब इसी तरह से तीसरा पद इसी से संबंधित है, इसका हम गणना करते हैं, मोल करो तलवार का। काउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर भी हमारी 13 मात्राएं आ गई, यानी पहला और तीसरा पद 13-13 मात्राएं। अब दूसरे पद में देखिए, पूछ लीजिए, यानी पूछ लीजिए ज्ञान। अब इसको काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, यानी हमारी यहाँ पे दूसरे पद में मात्राएं आ गई 11। दूसरा और चौथा पद आपस में संबंधित होता है तो चौथे पद की मात्राएं काउंट करते हैं, पढ़ा रहन दो। ये जो संयुक्त तो जहां पर वर्ण आ जाता है उसे अगले वाले वर्ण में जुन लिया जाता है, तो म्या यानी ये दो काउंट हो गए और न यानी एक। अब इसकी गणना करते हैं, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं, यानी ये हमारा दोहा छंद है जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार बिल्कुल सही और स्पष्ट है। इसको एक और उदाहरण से साबित करते हैं, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला ही दोहा है, कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बात वही आती है, दो पंक्तियां हैं, चार चरण या चार पद हैं, पहली और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं आनी चाहिए 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में कितनी मात्राएं 11 मात्राएं। तो वापस से हम गणना करते हैं, देखिए, ऐसी वाणी बोलिए, काउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 13, यानी यहाँ पर ये सही है, मन का आपा खोए, इसको काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, यहाँ मात्राएं आई हमारी 11। इस तरह से तीसरा चरण, अपना तन शीतल करे, काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ आ गई 13 और औरन को सुख होए, औरन को सुख होई, अकाउंट कीजिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर ये दोहा छंद प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात स्पष्ट होती है कि
कि ये जो दोहा छंद है, दोहा छंद में इस तरह मात्राओं की गणना की जाती है। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि बेटा ये साहित्य से संबंधित बात है, हिंदी लिटरेचर से संबंधित है, यानी ये बातें वो है जो आपकी कक्षा 11 में काम आने वाली है। आपके पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उसमें इससे रिलेटेड कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर हमारे पाठ परिचय में इस बात को उद्घाटित किया गया है तो इस बात को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है कि क्या पता किसी ऐसी परिस्थिति में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ भी लिया जाए तो हम जो है उसका उत्तर देने में समर्थ हो सके। तो अब बात आती है हमारे अनुवाद की। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, हमने कवि का परिचय पढ़ा, कवि के परिचय के साथ साथ उसके जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। आज हमने पाठ का परिचय लिया कि कबीर की साक्षी, यानी जो साक्ष्य से लिया गया है, जो साक्ष्य है यानी वे सबूत या प्रत्यक्ष अनुभव जो एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, और कबीर ने ये सारे अनुभव अलग अलग स्थानों पर से जाकर प्राप्त किए हैं। कबीर के ये अनुभव जो है उन्होंने अपने शिष्यों के साथ साझा किए, वही अनुभव हम आज तक पढ़ रहे हैं, यानी कबीर जो है वो आज भी प्रासंगिक है। अब बात आती है कबीर के जो छंद है, हालांकि उसने विशेष रूप से इन छंदों पर ध्यान नहीं दिया, कविता लेखन का तरीका क्या होता है इस विषय को उन्होंने विशेष महत्व भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बाद में आने वाले साहित्यकारों ने इसका मूल्यांकन किया और पाया कि कबीर की साखियां जो है दोहा छंद में रचित है। दोहा छंद क्या है, जिसमें दो पंक्तियां होती हैं और दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं, दोनों में कुल मिलाकर 24-24 मात्राएं होती हैं। इन 24 मात्राओं से निर्मित दोहे में 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक हमारी बात पूरी स्पष्ट होती है। अब बात आती है सर्वप्रथम व्याख्या की। बेटा क्वेश्चन पेपर में कभी भी व्याख्याएं आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन जब तक हम इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे नहीं, हम आके प्रश्नों के उत्तर दे पाने में भी समर्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए व्याख्याओं और उसके अनुवाद को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक में प्रथम स्थान पर दोहा दिया गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका अनुवाद करवाया जा रहा है। ऐसी इस प्रकार की वाणी, यानी वाणी या भाषा, बोलिए बोलनी चाहिए, मन यानी हृदय, का यानी का, आपा यानी अहंकार या घमंड, खोए खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए। अब एक एक शब्द का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया गया है, इसके हिसाब से इसका एक वाक्य बनाते हैं। कबीर लोगों को शिक्षित करते हुए या ज्ञान की बात बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, मनुष्य को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके हृदय का सारा अहंकार नष्ट हो जाए। पहली पंक्ति का क्या अर्थ आता है, कबीर ने लोगों को ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि मनुष्यों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके हृदय का सारा अहंकार समाप्त हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, अपना यानी स्वयं का, तन यानी शरीर, शीतल, शीतल का वैसे तो अर्थ होता है ठंडा, लेकिन यहां पर आएगा आनंद, शीतल का वैसे तो अर्थ होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आएगा आनंद, करें यानी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वाणी का प्रयोग करोगे जिसमें आपका अहंकार नष्ट हो जाए, ऐसा करने से आपका स्वयं का शरीर आनंद का अनुभव करेगा, आपका स्वयं का शरीर शीतलता का अनुभव करेगा, शीतलता का यहाँ अर्थ है आनंद का अनुभव करेगा।
औरन यानी दूसरों को, दूसरों को, और ऐसी वाणी को सुनकर दूसरों को क्या होगा, सुख का अनुभव प्राप्त होगा। यानी दूसरे ऐसी वाणी को सुनकर सुख का अनुभव करेंगे। तो हमारी बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। इन दोनों ही पंक्तियों को मिला करके हम इसका अनुवाद करते हैं कि कबीर ने लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए कहा कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके हृदय का सारा अहंकार नष्ट हो जाए। ऐसा करने से उसका शरीर आनंद का अनुभव करेगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे बच्चों को इस पहले दोहे का अर्थ अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा कि कबीर ने लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए कहा कि हमेशा मृदुल और मधुर वाणी का प्रयोग करो। अब ध्यान देना बेटा, प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, अनुवाद करते हैं और विशेष देते हैं। प्रसंग और संदर्भ तो आप सभी ने पढ़े हैं और किए भी हैं। विशेष वाले जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहले भाषा आती है। भाषा की जगह आप क्या लिखेंगे, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा, जिसमें उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, भोजपुरी और स्थान विशेष के भाषा को शामिल किया, पंचमेल खिचड़ी। छंद आता है तो कबीर के छंद कौन से हैं, तो कबीर ने अपनी कविताओं या साक्षियों में दोहा छंद का प्रयोग किया है। कबीर ने अलंकार प्रयुक्त किए हैं, तो अलंकारों के बारे में कल किसी छात्र ने पूछा कि मैडम अलंकार हमारे सिलेबस में है कि नहीं, सिलेबस में हो चाहे नहीं लेकिन कविता का अध्ययन अध्यापन करते समय अलंकारों की विशेष जानकारी भी प्राप्त होनी आवश्यक है। अब विशेष वाले पॉइंट्स में देते समय उसकी भाषा आ जाएगी, छंद आ जाएगा, विशेष बिंदु आ जाएगा कि शिक्षा पर दोहे हैं और मधुर वाणी बोलने का उन्होंने विशेष निर्देश दिया है या लोगों को शिक्षा प्रदान की है। अब आता है यहाँ पर हमारा दूसरा दोहा, क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बड़ा ही अच्छा दोहा है कि सारे लोग अज्ञानी हैं और अज्ञानी होने के कारण वो अपने भगवानों को ढूंढने के लिए अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और अलग अलग तरह के जो हथकंडे हैं, बहाय आडंबर हैं या दिखावे हैं, उन प्रवृत्तियों को अपनाते हैं जो कि उचित नहीं है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया एक हिरण का। तो शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसका अनुवाद करती हूँ, ध्यान देना बेटा। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे, बसे यानी रहना या निवास करना। मृग, मृग का अर्थ है हिरण। ढूंढे यानी ढूंढता है। बन यानी जंगल। माही यानी मैं। पूरी पंक्ति का अर्थ आ गया कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ निवास करता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ निवास करता है, रहता है। इसके पीछे क्या है, एक मान्यता है या एक तथ्य है। तथ्य क्या है कि जो हिरण है उसकी जो नाभि है उसमें कस्तूरी, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी महक आती है, सुगंध आती है।
अब हिरण को उसकी बार बार सुगंध आती है, और हिरण जो है उस सुगंध में इतना भ्रमित हो जाता है कि वो चारों तरफ जंगल में उस सुगंध को खोजता रहता है कि ये सुगंध जो है किस स्रोत से आ रही है, कहाँ से आ रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये उसी के शरीर में उसी के नाभि से इस सुगंध को वो जो है चारों तरफ से पूरे वातावरण को सुवासित कर रही है। तो देखिए क्या कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ निवास करता है, लेकिन अज्ञान के कारण वह उस सुगंध को ढूंढता रहता है पूरे जंगल में, ढूंढता रहता है पूरे जंगल में। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि कबीर दास कहते हैं कि हिरण जिस प्रकार अपनी ही नाभि में सुगंधित पदार्थ कस्तूरी निवास करने के बावजूद भी अज्ञानी की भांति पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है, उसी तरह घट घट, यानी घट घट का अर्थ है कण कण में, और घट यानी हृदय भी होता है मनुष्य के हृदय में, घट यानी कण कण भी आता है और घट यानी हृदय भी होता है, उसी तरह से संसार के कण कण में और मनुष्य के हृदय में कौन है, राम है। यहाँ राम अयोध्या नरेश राम नहीं है, उन्होंने अपने ईश्वर को नाम दिया राम, उनके लिए कोई दशरथ पुत्र राम नहीं था, क्योंकि वो तो इन चीजों के चाहे मूर्ति पूजा हो चाहे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या उसका जन्म हो ऐसी चीजों को मानते नहीं थे, उन्होंने तो अपने ईश्वर का नामकरण किया राम। क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से संसार के कण कण और मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है दुनिया, लेकिन पूरा संसार देखे नहीं, देख नहीं पाता, क्योंकि वो सारे अज्ञानी हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि ईश्वर उनके भीतर है, और ईश्वर को तलाश करने के लिए इधर उधर किसी भी स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दोहे से बात पता चलती है कि उन्होंने बताया है कि तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, अलग अलग स्थानों पर जाकर के ये जो पूजा अर्चना, ये सारी चीजें व्यर्थ है, अनुचित है। अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो वो आपके भीतर ही विराजमान है, अपने आप को टटोलोगे तो आपको ईश्वर से साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ निवास करता है, लेकिन अज्ञान के कारण हिरण पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है, उसी प्रकार से इस संसार के कण कण में और मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास रहता है, लेकिन सारी दुनिया ज्ञान के कारण उसे देख नहीं पाती। तदुकड़ी भाषा है, मिलीजुली भाषा है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार के आधार पर देखें तो यहाँ अलंकार जो है कस्तूरी कुंडली, घट घट, पुनरुक्ति या फिर अनुप्रास अलंकार सभी जगह चलता है अधिकतर कविता में, और यहाँ पर विशेष शिक्षा दी गई है कि ईश्वर का निवास व्यक्ति के हृदय और संसार के कण कण में है, उसे ढूंढने के लिए किसी विशेष स्थान की यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा कोशिश यही है कि इस तरह से आपको एक एक दोहे का अनुवाद अर्थ के साथ समझ आ जाए, और एक एक शब्दों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करवाया गया है। आगे आने वाली कक्षाओं में जैसा कि बुक शेयर करके भी आपको जो दोहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक में दिखते रहेंगे, स्क्रीन पर भी दिखते रहेंगे, और साथ में उसका अनुवाद भी करते चलेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को एक एक शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट हो जाएगा तो मेरा बच्चा जो है वो एक बार इस अनुवाद को स्वयं करने में समर्थ हो पाएगा। तो धन्यवाद बेटा इस कक्षा में शामिल होने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, और आगे की कक्षाओं में भी मैं आपका इतना ही सहयोग चाहूंगी, क्योंकि यह एक उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे जो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, और समय पर उनका कार्य जो है बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण होता रहे। तो घर पे ही रहें, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बेटा।